नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच शाखा गृह के तहत एक आम सभा का आयोजन घोड़ा कटोरा डाक बंगला में किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत गृह के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद जफर आलम, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाह मंच के राज्य समन्वयक डॉक्टर अमित कुमार पासवान, मंच के संरक्षक उमराव प्रसाद निर्मल ने संयुक्त रूप से की। अपने उद्घाटन संबोधन में कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद जफर आलम ने कहा कि नवसर्जित नगर पंचायत के वेंडरों को पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014 के तहत जल्द ही सर्वे कराकर पहचान पत्र प्रमाण पत्र वितरण कर टीवीसी का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृहेक नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने फुटपाथ दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी हैं। सभी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर पूर्णवासित किया जाएगा, ताकि उन्हें बेवजह इधर से उधर परेशान न होना पड़े। इस अवसर पर केकेसी के प्रदेश अध्यक्ष शाह मंच के राज्य समन्वयक डॉक्टर अमित कुमार पासवान ने कहा कि मंच के तहत जिले व राज्य के वेंडरों को हक व अधिकार दिलाने के लिए अनवरत रूप से संघर्ष किया जाएगा। गृह के सभी दुकानदारों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि कम पूंजी में बेहतर रोजगार का सृजन कर सके। मंच के संरक्षक उमराव प्रसाद निर्मल ने कहा कि कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित वेंडर ही हुआ है। सभी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले व राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े दुकानदारों को 10,000 का लोन दिलाकर उसे सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर नव चयनित पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन मीडिया प्रभारी रमेश कुमार पान ने की। इस अवसर पर गृहेक थाना के सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार, मंच के गृहेक के अध्यक्ष मोहम्मद कासिम, फकीरा यादव, राहुल यादव, राजू मियां, शेरू, साधना देवी, सीता देवी, विजेंद्र कुमार यादव, बल्ली पासवान, राजा बाबू, सफाई पर्यवेक्षक नगर पंचायत गृह। देखिए, आज हम लोग नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरे जिला में बिहार शरीफ हो, सिलाव हो, नालंदा हो, बाबापुरी हो, सभी जगह संगठन बखूबी काम कर रही है। आज नवसृजित गृहक का नगर पंचायत में हमने संगठन का विस्तार किया है। मोहम्मद कासिम जी को हमने अध्यक्ष बनाया और माननीय मोहम्मद कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ भी मौजूद थे, जफर आलम साहब, उनके द्वारा हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उनके द्वारा ये कहा जाए कि जितना जल्दी जो भेंडरों के हित में कानून बना है, पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014, उसके तहत सभी को अविलंब जो है कि प्रमाण पत्र और निबंधन प्रमाण पत्र बना के सभी दुकानदारों को भेंडिंग जोन बनाया जाए और भेंडिंग जोन बना के पुनर्वासित करने का काम किया जाए। जितना जल्दी टीवीसी का गठन करके सारे नियम जो कानून बनता है टीवीसी का बैठक में बनता है, इस उसमें सारे हम लोग नियम कानून की बात करेंगे। जो अतिक्रमण के नाम पर हमारे दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है, वो कम से कम पुनर्वासित किया जाएगा, वैसा कभी हमारे बीच में समस्या नहीं आएगा। ये सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने बैठक किया है और आगे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने हर पहलू पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द ही आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हम सारे दुकानदारों को पहचान पत्र बनाएंगे, सर्वे करा के पहचान पत्र बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग टीवीसी का गठन करेंगे। टीवीसी गठन करने के बाद सभी दुकानदारों को पुनर्वासित करने का काम करेंगे और अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी है सभी भेंडरों को हम लोग। अब जो पहले होता था अतिक्रमण के नाम पर सारे दुकानदार को हटाया जाता था, अब जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनको जो है कि 1 महीना पूर्व नोटिस दिया जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। इस सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जो योजना है आपका पीएम स्वनिधि योजना, उसके तहत सारे दुकानदारों को 10,000 रुपया लोन का प्रावधान है। 10,000 लोन विधिवत रूप से सटाने के बाद और उसे 50,000, 2 लाख तक के, 2.5 लाख तक, 5 लाख तक के लोन का सुविधा दिया गया। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। 2001 में हमने रेलवे की नौकरी छोड़ दिया, टीचर का नौकरी छोड़ दिया और हमने भी संकल्प लिया कि आपके साथ हम लोग खुला मैदान में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपने गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज आपका आशीर्वाद है कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया और पीएचडी करके एलएलबी करके पटना हाईकोर्ट में वकालत भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद
चाहे जितना भी परेशानियां हो, मुझे जब भी जानकारी होती है हमारे वह भेंडर भाई पे लाठी चल रहा है, पथराव हो रहा है, उनको हक और अधिकार छीना जा रहा है, वहाँ डॉक्टर अमित पासवान बर्दाश्त नहीं करता है। चाहे जो भी हो, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा के अंदर आकर उसका समस्या का निदान करने का काम करते हैं, क्योंकि अकेले जाएंगे तो आप लोग पथराव कर दीजिएगा ना। इस बात को भी हम एक सलाह देंगे कि आप लोग जब भी कोई विरोध करें शांतिपूर्ण ढंग से करें, विरोध नहीं कर रहे, हिंसक विरोध नहीं करें। आप विरोध करें, आप एक डेलीगेट मिलके 10 आदमी का मिलके आइए मिलने के लिए, विरोध दर्ज कीजिए, एक लिख के दीजिए, हमसे नहीं बन पड़ता आप डीएम साहब को लिख के दीजिए, मुख्यमंत्री को लिख के दीजिए, लेकिन पथराव करना ठीक नहीं। जब हम राजगीर में आए थे तो पहली बार एक नए बच्चे की तरह है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, अभी इसका हाथ पैर चलता नहीं है, मतलब ना यहाँ कोई ऑफिस का रूप है, एक रूम मिल गया हम लोगों को, ना यहाँ कोई हमारे अलावा पदाधिकारी है, ना यहाँ कर्मचारी है, यहाँ हम एनजीओ के तहत संविदा के तहत कुछ लोगों पर को रख कर काम करवा रहे हैं, जिसके तहत साफ सफाई भी होती होगी और लोग घर घर जाकर कूड़ा भी कलेक्ट करते होंगे या वो गाड़ी वाड़ी लेकर के घूमते होंगे और आप लोग उसको साफ सफाई में।